हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में स्टैट्स का एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मीन मोड मीडियन वाला क्वेश्चन है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज गिवन 28, हमें अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है कितना 28, यानी जो हमारा एक्स बार है वो हमें 28 गिवन है। उसके आगे बोल रहे हैं फाइंड ए यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड बी। ए और बी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ए हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक हमें मीडियन निकालना है इस सीरीज का, ठीक है। तो इस सीरीज को फटाफट से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ पहले। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह की ये सीरीज हमें गिवन है। ये कौन सी सीरीज है? ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, एक तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और एक हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज है, वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? मीन दिया हुआ है हमें, तो मीन दिया हुआ होता है तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जो कि होएगा मिड पॉइंट का, ठीक है। और एक होएगा एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होएगा इसका, देखो इसका तो हो जाएगा 5 और फिर इस ये चलता जाएगा 55 ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते जाओ, 12 5 60, 18 × 15 कितना होएगा, 270। तो ये हो जाएगा 270, 27 × 25 ये हो जाएगा आपका 675, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 35 और इसको अपन x मान लेते हैं, तो 35 का x, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 70 × 65 55 × 6 हो जाएगा 5 6 30 0 3 carry 5 6 30 3 33, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एफ एम निकालो, इसको कैलकुलेट करो, 5 और 5 10 15 एक्स वाला तो हम लेंगे नहीं, तो 5 और 5 10, ठीक है। प्लस में तो आप क्या लिख दो, देखो ऐसे होएगा प्लस में 35 x 0, यहाँ पे एक कैरी हो गया, ये हो गया 6 और 3 9 और 3 12 और 7 19 और 13 0 दो कैरी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2100 + 35x, ठीक है। ये हो गया आपका एफ एम की वैल्यू, सिग्मा एफ एम की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो जो हमारा एक्स बार होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा में एफ, ठीक है। तो क्या हो गया, 2100 + 35x अपॉन सिग्मा में एफ कितना होएगा, देखो ये कैलकुलेट करो, थोड़ी इजी टर्म्स उठाए तो 18 और 12 देखो पहले, 20 और 30 तो ये हो गए, ठीक है। 30 के बाद 40 50 60 60 के बाद 20 70 80, 80 + x, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 80 + x अरिथमेटिक मीन हमें कितना दिया है, अरिथमेटिक मीन हमें दिया है 28। तो देखो 28 × 80 + x इक्वल टू 2100 + 35x, ठीक है, इतना सही है। तो ये हो जाएगा आपका 2240 + 28x - 35x = 2100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -7x = 2140, तो ये कट गए 7 2 जा, तो x की वैल्यू जो आ गई वो अपनी 20 आ गई, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये आ गई 20। हमने निकाल ली मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए सिंपली कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, 100/2 कर दो पहले तो। क्यों? क्योंकि देखो इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो 80 आई थी, 80 + x में 20, 80 + 20 तो जो कि 100 हो जाएगा।
तो हमारा एन बाई टू होता है ना, एन बाई टू एक टर्म, इससे हम मीडियन की ग्रुप क्लास निकालेंगे, मीडियन की ग्रुप निकालेंगे। तो 100 बाई टू इज 50, 50 का आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी अब हमें, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 12, 30, 57, 77, 94, 100। तो 100 और ये वाला 100 मैच होना चाहिए आपका, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो भी 100 होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी 100 होती है। तो ये हो गया 50। तो अब 50 कहाँ आ रहा है, सम वॉट हेयर, ठीक है। तो थर्ड वाली हमारी मीडियम ग्रुप हो गई, 20 to 30 वाली, ठीक है। अब कर दो, देखो कैसे, एल मीडियन नहीं है, ठीक है, एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। एल कितना है, एल होता है हमारा लोअर क्लाट, लोअर लिमिट। तो ये हो गई 20, ये हो गई 20 प्लस एन बाय टू यानी 100 बाय टू, 50 हो गया ये, ठीक है। माइनस सी एफ, सी एफ होता है, जैसे सी एफ होता है ये जो वैल्यू है इसके ऊपर वाला, यानी 30 अपॉन एफ। एफ कितना है, एफ है हमारे पास में, एफ कितना था देखो, एफ कितना है 27। तो 27 इंटू कितनी है मेरी लास्ट 10, ठीक है। तो कैलकुलेट करो इसको आप, 20 प्लस 20 अपॉन 27 इंटू 10, ठीक है। अब 20 अपॉन 27 अगर आप करोगे तो ये आपको आएगा समवॉट 7.4, ठीक है, इसका इक्वल। तो 20 प्लस में 7.4 इज इक्वल टू 27.4 समथिंग आपका मीडियन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर लिख देना, मीडियन आ गया आपका, यानी जो हमारा मीन आया, फाइनल आंसर बता देती हूँ, मीन जो आया हमारा, मीन तो हमें दिया हुआ था कितना 28, जो एक्स की वैल्यू आई वो हमारी आई 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, और मीडियन, मीडियन जो हमारा आया वो आया 27.4 अप्रॉक्स, क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।